हेलो एवरीवन, हेलो घरेलूज, मैं हूँ शालिनी दुबे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आज गाना क्यों नहीं गा रही हूँ, इतना बक बक क्यों कर रही हूँ। तो जैसा कि बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि मैं ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, और आप लोगों ने भारी मतों से बोला था कि स्टार्ट करिए। तो मेरे ट्यूटोरियल सीरीज का पहला एपिसोड है उस टॉपिक पे जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग था। अब बहुत लोगों ने पूछा था कि मैम प्लीज़ बताइए कि आपने पसूरी कैसे गाया और आपने कैसे गाया जो इतना वायरल हुआ। तो मेरे तो वायरल होने में आप लोगों का हाथ था, बट मैंने जो चीज़ों को जिन चीज़ों पे ध्यान दिया था वो मैं आज ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, हाउ टू सिंग पसूरी लाइक मी। तो मेरे जैसा पसूरी गाने के लिए चाहिए एक किचन और एक प्याज। आई एम जस्ट जोकिंग, आप बिना किचन और बिना प्याज के भी गा सकते हैं पसूरी। तो इसके अलावा मैंने क्या क्या किया था वो मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले कि पसूरी बहुत पावरफुल और बहुत एनर्जेटिक गाना है, उसके लिए आपको बहुत ही माइंड से बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही जॉली मूड का गाना है और साथ साथ में उसकी बीट मतलब ऐसी है कि आप खुद ब खुद उस पर थिरकने लगते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपने दिमाग को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर ले पसूरी गाते वक्त, जो कि मैंने भी किया था, क्योंकि मैं खाना बनाती थी और मेरा पूरा ध्यान उस चीज़ को एंजॉय करने में था। आप अगर जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ गाना गा रहे हैं, तो उस चीज़ को बिल्कुल एंजॉय करें, ताकि कोई सेकेंड थॉट आपके दिमाग में ना आए उस वक्त। एंड सेकेंड थिंग, यू हैव टू चूज़ अ स्केल, क्योंकि मैंने मुखड़ा गाया था उसका, तो मैंने चूज़ किया था ई, और ओरिजिनली में गाना है बी स्केल, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के वॉइस में है। तो अगर कोई एक फीमेल या कोई एक मेल गा रहा है तो आप अपने कंफर्टेबल स्केल के हिसाब से उसको देख सकते हैं। वैसे मैं अगर मुझे पूरा गाना गाना होता तो कुछ दूसरा स्केल होता है, बट सिर्फ मुखड़ा गाना है इसीलिए मैंने ई स्केल चुना था। मैं यूट्यूब के तानपुरा को यूज़ कर रही हूँ। आप हज़ारों ऐप है, बहुत सारे ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैंने ई स्केल लिया है मुखड़ा गाने के लिए। तो पहला जो लाइन है उसी में आपको बहुत सारी एनर्जी दिखाने की ज़रूरत है, बहुत ही पावरफुल। लाइक पहला लाइन है, अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू। तो पहले लाइन को इतने मतलब इतने ज़ोर से उन्होंने बोला है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसा किया था। तो लेट्स सिंग। मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़ डोंट माइंड, आज जजमेंट ना करना कि सिंगिंग को, बस मैं बता रही हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू, आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के डस जावे पावा क्यों दे चोरी नू, रवाच पवाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे डोल जुदाया दे तेनू खबर की वे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बनिया बनाया दे गल बात की वे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, पूरा भी ना होवे। ओके, होप यू लाइक इट एंड सिंग फ्रॉम योर हार्ट, जो कि मैंने भी किया था। तो कोई भी गाना वायरल हो या पहले मेरे लिए मैटर करता है कि वो कितने दिल से गाया गया हो, कितना फील से गाया गया हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि दिल से गाएं और फील करके गाएं एंड बस गाते रहें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना और शेयर भी करना जिन लोगों को मेरा पसूरी अच्छा लगा था उन लोगों के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, मुझे बताना कमेंट में कि नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ में कवर करनी है। ओके,